तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि बहुत सारे बहनों और भाइयों का कमेंट रहा है कि मेरे नाम से फेक अकाउंट क्रिएट किया गया है और उस पर मेरी फ़ोटो प्रोफाइल लगाई गई है और जो उस अकाउंट पे पोस्ट किए गए हैं मेरे फ़ोटो अपलोड किए गए हैं और बहुत सारे हमारे फ्रेंड के पास उस आईडी से मैसेज जा रहा है और मेरे पास भी मैसेज कर रहा है। तो मैं कैसे पता करूँ वो आईडी किसने बनाई है और उसे यूज़ कौन कर रहा है, ये बहुत सारे भाइयों ने मेरे पास कमेंट कर रखा था। तो मैं आज की इस वीडियो बताने वाला हूं कि आप इसे कैसे पता कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखते हो, जो आपको बताया जाता है अगर आप करते हो, तो आप आसानी से ये पता कर पाओगे कि वो आईडी कौन चला रहा है आपके नेम से। तो चलते हैं, मेरे टाइम को वेस्ट किए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि भैया आप कैसे करोगे। तो चलते हैं, आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गाइस आपको करना क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले तो गाइस आपको सर्च बार में जाना है। सर्च बार में जाने के बाद आपको वह अकाउंट सर्च कर लेना है जो आपका फेक नेम से अकाउंट क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पे मेरे नाम से भी एक फेक अकाउंट चल रहा है इंस्टाग्राम पे। चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूट्यूब पर जैस सर्च किया, नेट ओपन नहीं किया, तो नेट ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद दोबारा सर्च करता हूँ तो आ जाएगा। तो यहाँ पर यूट्यूब पर जैस मैंने सर्च किया नेट ऑन करके, और देख सकते हैं मेरे पास यहाँ जब मैंने यूट्यूब पर जैस सर्च करता हूँ, जैसे एक बार करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे यूट्यूब पर जैस मैंने सर्च किया और सर्च करने के बाद मेरे सामने देख सकते हैं कुछ नया इंटरफेस आएगा और अकाउंट वाले ऑप्शन में जाएंगे और देख सकते हैं यहाँ पे दो अकाउंट मेरे नेम से दिखाए जा रहे हैं, एक यूट्यूब पर जैस के नाम से, एक यूट्यूब पर जैस और उसके बाद राजू भाई के नाम से। जो यूट्यूब पर जैस राजू भाई के नाम से है, सेकंड वाला ये मेरा रियल अकाउंट है, ये मैं चलाता हूँ। और यहाँ पे जो सेकंड वाला अकाउंट मुझे फर्स्ट वाला अकाउंट आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है, ये फेक अकाउंट है। मैं पता करना चाहता हूँ ये कौन बनाया है और मेरे चैनल का लोगो भी लगाया है। तो चलते हैं, पता करते हैं आज की इस वीडियो में। तो आप वीडियो को देखते रहिए और जो बताया जाए फॉलो करिएगा। तो चलते हैं वीडियो में, आपको बताते हैं आपको करने क्या है। तो आपको वह अकाउंट पे क्लिक करना है जो आपके फेक नेम से अकाउंट बनाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यही अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ और चलते हैं पता करते हैं। तो आप इनके अकाउंट पे क्लिक कर लीजिएगा जो आपके नेम से फेक अकाउंट क्रिएट किया गया है। उस पर आने के बाद आपको पहले तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट एक ले लेना है और एक इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको करने का मैं आपको ये बताता हूँ। एंड यहाँ पे देखिए आपको थ्री डॉट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे कॉपी प्रोफाइल का एक ऑप्शन आता है, देन आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से कॉपी कर लेनी है। आपको कॉपी करने के बाद आपको करने क्या है, यहाँ पे देखेंगे दोबारा आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने नया इंटरफेस आएगा एंड यहाँ पे देख सकते हैं पहला ऑप्शन मिल जाता है रिपोर्ट का, तो देन आपको रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड में, तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो नया इंटरफेस ओपन होने का वेट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो ये नेक्स्ट कर देने हैं। एंड जैसे ही नेक्स्ट आप करते हैं यहाँ पे क्लिक करके फ़ोटो पे, तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा स्कैन और फ्रॉड का, यहाँ पे देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एंड जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ नया इंटरफेस आएगा। आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर देन क्लिक करना है। एंड जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर लेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आपको नीले कलर में एक यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा लर्न मोर का, तो देन यहाँ पे क्लिक करना है। एंड जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका एक ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, यानी कि गूगल क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो जाएंगे। आप चले जाएंगे वहाँ पे और यहाँ पे इंस्टाग्राम का हेल्प सेंटर आ जाएगा और यहीं से आप पता कर सकते हैं उस आईडी को कौन यूज़ कर रहा है। तो देन आपको करने के आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा येस और नो में, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं येस और नो का ऑप्शन आ चुका है, देन यहाँ पर आपको येस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेने हैं। और जैसे येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर देखिए एक आपको फॉर्म फिल करना होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया जा रहा है आप देख सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहीं फॉर्म को आपको फिल करना है। अंदर आपको क्या करना है मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ पे आपको उस अकाउंट के यहाँ पे लिंक जो मैंने आपको कॉपी कराई थी, देन आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। जैसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद उसके नीचे आना है, यहाँ पे लिखना है यूजर नेम। तो आप जैसे यहाँ पे यूजर नेम ऐड करते हैं, यहाँ पे यूजर नेम आ गया, उसके आगे बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं आप इक्वल का, तो यहाँ पे लिख के लिख दीजिएगा यूट्यूब पर जेस के नाम से है। तो यहाँ पे मैं उसको भी ऐड कर देता हूँ। इसके साथ मुझे क्या करना है, उसका जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया था यहाँ पे ऑप्शन अगर आप वॉल्यूम दे रहा है तो आप वो फ़ोटो भी ऐड कर दीजिएगा, अगर ऑप्शन नहीं दे रहा है तो ये नहीं करना है, ठीक है। तो उसके बाद इतना करके आपको लिख देना है फेक अकाउंट,
मुझे यह पता करना है कौन इसे यूज कर रहा है। ये सभी चीज़ आपको यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको करने का है, आपको यहाँ पे देखेंगे एक सबमिट करने का ऑप्शन आ जाता है, देखिए यहाँ पे नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे देन क्लिक करना है और 24 आवर्स वेट करने हैं। और आपके जो जो नंबर से या जिस ईमेल से आपने इंस्टाग्राम आईडी बनाई है उसी पे आपको इंस्टाग्राम हेल्प सेंटर सपोर्ट करेगा, बताएगा कि यह अकाउंट कौन यूज कर रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे उस वीडियो देखने और पाने के लिए। आज की इस वीडियो में नहीं, आपसे मिलेंगे किसी नए वीडियो में टॉपिक के साथ।